हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज 75 जूल पर केल्विन पर मोल। व्हेन 1 किलोजूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर व्हिच इज फ्री टू एक्सपैंड, द इंक्रीज इन टेंपरेचर ऑफ वाटर इज 1.2 केल्विन, 2.4, 4.8 और 6.6 केल्विन। सो यहां पे हमें जो मोलर हीट कैपेसिटी है वाटर की वो गिवन है और हमें बता रखा है कि 1 किलोग्राम ऑफ हीट जो है वो सप्लाई की गई है 200 ग्राम ऑफ वाटर जो कि फ्रीली एक्सपैंड कर रही है। हमें बताना है इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास की कंसेप्ट हमें यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा, दैट इज क्योंकि हमें बता रखा है कि कितनी हमारे पास हीट यूज हो रही है और हमारे पास ये क्वेश्चन हीट कैपेसिटी क्या है। सो जो मोलर हीट कैपेसिटी का हमारे पास रिलेशन होता है क्यू के साथ, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन सी डी टी। सो अब हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 किलो जाउल। सो इसको जाउल में कर लेंगे, दैट इज 1000 जाउल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, सो गिवन मास है हमारे पास 1000, मोलर मास होता है वाटर का 18। उसके बाद हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दैट इज 75 जाउल पर केल्विन। सो जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 100/18 इंटू 75 इंटू डी टी। सो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे डी टी कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 18/100 इंटू 75। सो ये हमारे पास आ गया 2.4 केल्विन। हेंस द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।